इंसान तो कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है जिसके पास 99 हिस्से हो रहे के, गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जाता। पलट कर तो देख, बहुत सही, पलट कर तो देख। मैं ये सोच रहा हूं 70 साल तक मेरे रब ने मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, एक दफा भी मिल नहीं भेजा। ओ भाई साहब, ये तगड़ा था, बहुत सुंदर। हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस, आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, जिस वीडियो का नाम है अल्लाह मेर्सी, मतलब अल्लाह की रहमत, है ना। तो बड़ा सुंदर सा ये टाइटल है, और इमोशनल रिमाइंडर बाय शेख जलालुद्दीन कासिम। और इनका पूरा नाम अगर हम बोलेंगे, शेख जलालुद्दीन कासिम हाफिजुल्ला करके है। और ये देखो गाइज, ये तो नाम की बात तो बहुत दूर है, जो ये हैं अपने भाई साहब जलालुद्दीन जी कासिम जी, जो कि इनका हमने आज तक तो कोई वीडियो नहीं देखा सीरियसली। और इसके लिए भी एक भाई है, उन्होंने कमेंट करा था कि इनके वीडियोस पे, इनके बयान पे वो करो रिएक्शन आप लोग। तो हमने कहा कि चलो बनाते हैं। उन्होंने कोई टॉपिक नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया, बस जस्ट नाम बताया था। तो मैंने नाम डाल के सर्च करा, पता नहीं उन्होंने इसी के लिए बोला था, किसके लिए बोला था। तो भाई जिन्होंने भी बोला, जिन लोगों ने भी बोला, तो प्लीज़ कमेंट आप लोग जरूर करना। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग भी अपने विचार जरूर दें। और उम्मीद है इनका बयान देख लेते हैं क्या सब है, एक तरीके से रिमाइंडर है मुस्लिम्स को जगाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के रिएक्शन वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। ऐ इंसान, तू कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है जिसके पास 99 हिस्से हो रहे के, गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जाता। पलट कर तो देख, बहुत सही, पलट कर तो देख। पलट कर तो देख, तेरी तौबा फौरन कबूल कर लेता अल्लाह। जिंदगी भर आदमी गुनाहों के रास्ते पर चलता रहा, गरगरा आने से पहले अगर तौबा कर लेता है, माफ कर दिया। ओहो, बहुत सही। एक साहब 70 साल के थे, बुजुर्ग थे, उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुआ, उनको एक अस्पताल में एडमिट किया गया। माहिर जर्राह कल्ब ने उनका ऑपरेट किया, उनका ऑपरेशन किया, और दिल के इस मरज को कंट्रोल कर लिया गया। यह ऑपरेशन 3 घंटा चला। बाद में डॉक्टर ने बिल भेजा 8 लाख का। ओ भाई साहब, डॉक्टर खड़ा हुआ है, उसके साथ उसके असिस्टेंट्स हैं। 8 लाख कितना महंगी हुआ। बिल देखकर रोने लगे तो डॉक्टर ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं बिल कम कर सकता हूं, चलिए 5 लाख दे दीजिए। अरे, 4 लाख दे दीजिए। अरे, तो कहने लगे डॉक्टर साहब, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि आपने 8 लाख का बिल भेजा है, मैं 10 लाख भी दे सकता हूं। ओह नाइस। मैं ये सोच रहा हूं 70 साल मेरे रब ने मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, एक दफा भी बिल नहीं भेजा। ओ भाई साहब, ये तगड़ा था, बहुत सुंदर। एक दफा भी बिल, आपने 3 घंटा मेरे दिल की हिफाजत की, 8 लाख का बिल, तो आपने 8 लाख का बिल भेज दिया। यार पॉइंट है यार, ये सोच रहा हूँ कि 70 साल से मेरा रब मेरे दिल की हिफाजत कर रहा है, उसने एक दफा भी मेरे पास बिल नहीं भेजा। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं जिस तरह वही इबादत के लायक है कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं ये कहता हूं कि वही सच्ची मोहब्बत के लायक है, उसके अलावा कोई हकीकी मोहब्बत के लायक। यही बात कही गई है, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन तो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह ने रहम को पैदा फरमाया। एक रहम है जो अल्लाह की सिफत है, वो गैर मखलूक है।
हाँ फर्क समझा जाए, फर्क निगाह में रखा जाए। अल्लाह की एक सिफत रहमत है जी, वो गैर मखलूक है, और एक रहमत है जिसका ताल्लुक मखलूक से। अल्लाह ने इस रहमत को पैदा किया है, तो जब अल्लाह ने रहमत को पैदा किया तो अल्लाह ने उसके 100 हिस्से किए और एक हिस्सा दुनिया में भेज दिया, जिन्नों को दे दिया, इंसानों को दे दिया, जानवरों को दे दिया, कीड़े मकोड़ों को दे दिया, हवाम हम्मा की जमा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस एक रहमत के टुकड़े से तमाम जिन अपने मुताल्लिकीन से मोहब्बत करते हैं, बेटी अपने बाप से, बाप अपने बेटे से, शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से, और मां अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है। खुद जाड़े में ठंडी में सो जाएगी मगर कोशिश होगी मेरे बेटे को ठंडी ना लगे जी। बाप अगर उसे मालूम हो कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ है, रात भर नींद नहीं आती बाप को, उस बाप को जब ये बड़े हो जाते हैं मालूम है क्या बोलते हैं, अब्बा इस बारे में करता, अब्बा को क्या मालूम, अरे बेवकूफ तेरी उंगली पकड़कर जिस बाप ने उस वक्त चलाया जब तू चलने के काबिल नहीं था, बड़ा हो गया तो कहते अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता, को कुछ समझता, ये औलाद है आजकल की, क्या बोले, अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता। अरे मां है, अगर तू खून मांगे तो अपना खून पूरा बदन का दे देगी, किडनी मांग किडनी दे देगी, दिल मांग दिल दे देगी, बाप को अगर बिकने की बात आ जाए तो बिक जाएगा तेरे लिए सब कुछ। बाप की कदर करो भाई, वालिदैन की कदर करो, ये बड़ी मोहब्बत लायक होते, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान, भूखी रह जाएगी मां मगर तुम्हें भूखा नहीं देख सकते, बाप भूखा रह जाएगा मगर अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता, बीमार नहीं देख सकता। अब अगर रहमत के एक हिस्से से मां को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत, बाप को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत, तो जिसके पास 99 हिस्सा रखा हुआ हो, वाखरत 99 रहमतन, अल्लाह ने 99 हिस्सा अपने पास रख रखा है, यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह अपने बंदे पर उसके जरिए वो जो 99 हिस्से हैं कयामत के दिन रहम करेगा। अब 99 हिस्से जिसके पास हूं वो कितनी मोहब्बत करता होगा आपसे अंदाजा लगाइए। आप कभी रोकर तो देखिए, और इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताबु तौबा में लेकर के आए बताने के लिए कि ए इंसान तू कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है जिसके पास 99 हिस्से हो रहम के, गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जाए। पलट कर तो देख, पलट कर तो देख। पलट कर तो देख, तेरी तौबा फौरन कबूल कर लेता अल्लाह तआला। जिंदगी भर आदमी गुनाहों के रास्ते पर चलता रहा, गरगरा आने से पहले अगर तौबा कर लेता है माफ कर दिया जाता, माफ कर दिया जाता। क्यों? इसलिए कि 99 हिस्से तो उसने रख रखे अपने पास, एक हिस्से की वजह से मां अपने बेटे का कोई दुख नहीं देख सकती, बाप अपने बेटे का दुख नहीं देख सकता। तो जिसके पास 99 हिस्से रहम के हूं वो कितनी मोहब्बत आपसे करता है। बहुत सही बात है यार, ये वीडियो तो एकदम फैक्ट थी, बहुत काफी ज्यादा इमोशनल थी। जो ये बोलने वाले थे जिनका की नाम क्या था, इनका के नाम था, एक सेकंड में बता देता हूँ आप लोगों को, शेख जलालुद्दीन कासमी भाई। मतलब बोलते बोलते रो रहे थे यार, सच में इन्होंने मतलब जो दुनिया में हो रहा है आजकल वो फैक्ट वाली चीज़ बताई, कोई फालतू की चीज़ पे ज़्यादा भाषणबाजी चीज़ नहीं करी है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा वीडियो था। जो दिल वाला जो एग्जाम्पल था यार, सच में वो हिला देने वाला एग्जाम्पल था, है ना, कितना मतलब मैं ऐसा सोचा नहीं कभी, और ना कभी और ना मुझे लगा ऐसा कुछ ये बोलेंगे। तो मतलब उन्होंने बोला कि मतलब तूने मेरे दिल को थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया, तूने 8 लाख का बिल बना दिया, और मैं 70 साल का हो गया हूँ कि 70 साल में कितने सारे घंटे होते हैं ना, ऑब्वियस है, अगर उस हिसाब से बिल बनाया जाए तो
सब कुछ बिक जाएगा उसका, लेकिन बिल नहीं चुका पाएगा, फिर भी हम वो ऊपर वाला है। लोग अलग अलग रूप में देखते हैं अल्लाह, अलग अलग रूप में उनको देखते हैं, उनकी इबादत के लिए, उनकी पूजा पाठ के लिए लोगों के पास आज की डेट में टाइम नहीं है। तो यार मैं तो हमेशा अपने वीडियोज में कहता हूँ, अपने माँ बाप की कदर करो, और आपको जो कुछ भी मिला है सब उनकी वजह से मिला है, ऊपर वाले का शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। काफी इमोशनल था, मैं क्या बताऊं, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, है ना। आप लोगों के क्या कमेंट है, थैंक यू भाई जो इतना अच्छा वीडियो सजेस्ट किया। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस गाइस। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।